नमस्कार, सीएमएन न्यूज पर आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। देवरिया में निजी अस्पताल पर सीएमओ का छापा, प्राइवेट अस्पताल में मिली सरकारी दवाओं की खेप। ओरसा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपी लूटपाट की घटनाओं को देते थे अंजाम। गाजियाबाद में शाम के सफर में ईएमयू बन जाती है मधुशाला, शराब पीते यात्री का वीडियो हुआ वायरल। मुरादाबाद देहात में लापता युवक का मिला शव, शव मिलने से फैली सनसनी, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। लाडवा में दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 का हुआ समापन, प्रतियोगिता में 250 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा, खिलाड़ियों ने किया बेहतर प्रदर्शन। भोपाल में आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई में मामला दर्ज, सिद्धार्थन सिक्योरिटी के मैनेजर प्रशांत वर्मा ने दिया बड़ा बयान। बुलंदशहर में इश्क में नाकाम आशिक की मौत, 4 के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में जेल में आत्महत्या करने उतरे लोग, नगर निगम और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नोटिस का किया विरोध। मुरादाबाद देहात में मना बीजेपी की जीत का जश्न, कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर किया खुशी का इजहार। गंगोह में चाकू से गोदकर किसान की हत्या कर गांव के बाहर फेंका किसान का शव, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस।